सवाल है कि क्या देश में डराने माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। इस सवाल की वजह देती चार बड़ी खबरों पर गौर करिए। जम्मू कश्मीर जहां रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के साथ शांति से चुनाव पूरा होता है, नई सरकार बन जाती है, वहां कश्मीर के गांदरबल में हमला होता है, 7 लोगों की जान आतंकी ले लेते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी लश्करे तैयबा के ही आतंकी गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF लेता है। अब कश्मीर से सीधे देश की राजधानी दिल्ली में देखिए, त्योहार शुरू हो चुके हैं, बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, और तब दिल्ली में एक संदिग्ध धमाका होता है। किसी को नुकसान नहीं होता लेकिन धमाका बड़ी चिंता दे गया। इस बीच तीसरी खबर पर गौर करिए। भारत में पिछले 7 दिन के भीतर करीब 100 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी भरे संदेश पहुंचे। विमान को लैंड कराया गया, जांच हुई, सारी धमकी फर्जी निकली, लेकिन डर यात्रियों में फैलता दिखा, लोग चिंतित नजर आए। एक साथ इतनी झूठी धमकियां सिर्फ शरारत है या साजिश? जांच अभी जारी है, और जांच उन ट्रेन को पटरी से गिराने की साजिशों की भी हो रही है, जहां कहीं लोहे की मोटी छड़े, कहीं LPG सिलेंडर, कहीं सीमेंट के ब्लॉक रेलवे ट्रैक पर रखकर रेल को डिरेल करने की साजिश के आरोप लगे। ये चार खबरें दस्तक देती हैं, जहां भारत में बम धमाके अब इतिहास की बातें हो चुकी हैं, जहां सीमा पार से आने वाले आतंकवाद की जड़ें कमजोर कर दी गई हैं, क्या वहां अब एक हमला, एक धमाका, 100 धमकियां और कई साजिश के साथ डराने या फिर कुछ खतरनाक करने की कोशिश की जा रही है? जहां कश्मीर में आतंकियों ने 7 लोगों को कल मार दिया। अबीशा बहुत बहादुर है, अपनी माँ को आंसू बहाते नहीं देख पाती। इसीलिए अबीशा को जब रोती माँ के पास से हटाने के लिए परिजन का हाथ आगे आता है, बहादुर बेटी एकदम से माँ को छोड़कर यहाँ जाना नहीं चाहती। अबीशा का अर्थ होता है जिसके लिए पिता एक उपहार है, लेकिन अबीशा से पिता का उपहार आतंकवादियों ने छीन लिया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार देर रात आतंकी हमला करके अबीशा के पापा समेत 7 लोगों को दहशतगर्दों ने मार दिया। उन्हीं 7 लोगों में अबीशा के पापा और रुचि अबरोल के पति शशि भूषण भी थे। सबके घर उजाड़ दिए उन्होंने, सबके घर उजाड़ दिए। इनके सिवा कोई भी नहीं, हमारा कोई भी नहीं है यार। ऐसे आंसुओं का सैलाब एक घर का नहीं है। बडगाम में यह मातम डॉक्टर शहनवाज के घर वालों का, जो बेटे को IAS बनाकर देश सेवा करते देखना चाहते थे। सपनों को गांदरबल में आतंकवादियों ने गोली मार दी। शशि भूषण अबरोल, डॉक्टर शहनवाज, गुरमीत सिंह, अनिल शुक्ला, मोहम्मद हनीफ, फहीम नसीर, मोहम्मद कलीम की जान आतंकियों ने ली। गांदरबल के गगनगीर इलाके में श्रीनगर ले नेशनल हाईवे के टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला किया गया। कश्मीर से लेकर पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश तक के लोगों को मारने के बाद आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जिन लोगों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया है, केवल उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ये जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। पुलिस ने जब टारगेटेड किलिंग पिछली बार शुरू हुई थी, इस बार किस तरीके से पुलिस को आपने कहा है काम करने के लिए? उससे भी तगड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। बेगुनाहों के खिलाफ इस तरह तशद्दुद का इस्तेमाल, ये कहाँ से जायज़ है? अगर हमारे सिक्योरिटी ग्रिड में कहीं गैप्स हैं, कहीं खामियां हैं, कहीं कमजोरियां हैं, उनको दुरुस्त किया जाएगा। वेस्टर्न इंटरेस्ट ने कभी ये नहीं चाहा कि यहाँ नॉर्मल सी हो, यहाँ हालात ठीक हों, लेकिन इन्हीं वेस्टर्न इंटरेस्ट्स को तो हमने पहले भी शिकस्त दी, आगे भी इनको हम नाकामयाब करेंगे। ऐसे हमले पहले भी जम्मू कश्मीर में हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा हमला नहीं हुआ। क्या हमला इसलिए हुआ क्योंकि शांतिपूर्वक चुनाव हो गए? अनंतनाग और बारामूला में 1984 के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई,
श्रीनगर में 1996 के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। क्या यही बात आतंकियों को परेशान कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा अब जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी गुट टीआरएफ से हमला कराने लगा? दूसरी वजह यह हो सकती है कि आर्टिकल 370 से आजादी दिलाने के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी लाई गई, आतंकियों की कमर तोड़ी गई, पत्थरबाजी की घटनाएं शून्य हो गई। 2018 में जहां 91 जवान आतंकी वारदातों में शहीद हुए, वो संख्या अब घटती जा रही है। जहां 2018 में आतंकियों की वजह से 55 नागरिकों की जान गई, वहीं अब संख्या घटकर 14 हो गई है। हमला होने की वजह क्या यह भी है कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन 6 गुना बढ़ गया? साल 2020 में जहां 34 लाख पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की, वहीं साल 2023 में यह संख्या 2 करोड़ 11 लाख हो गई। विदेशी पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई। जो है बहुत बड़ा है और सुरक्षा एजेंसीज में जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि इसमें कम से कम 2 से 3 मिलिटेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं और ऑटोमेटिक वेपन से जो है गोली चली है और ये गोली तकरीबन जो है 5 से 10 मिनट तक चली है, यानी कि 100 से 200 राउंड जो है फायर हुए हैं और एक ऐसा अटैक जो कि प्री प्लान्ड था और इस एरिया की रेकी भी की गई थी, क्योंकि अटैक के बाद जो है मिलिटेंट भाग गए हैं उस एग्जिट रूट से जो उन्होंने सोचा हुआ था। हमने देखा कि वहां पर ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट स्मूथ हुआ एकदम से और ये एक डेमोक्रेसी की जीत है और यही बात जो टेरर ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में हैं उनको ये बात समझ नहीं आती कि कैसे ये सब होता है। 2019 के बाद आर्टिकल 370 के बाद पहला इलेक्शन था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो इसीलिए जो टेरर ग्रुप्स हैं वो किसी ना किसी तरह से कुछ दहशत फैलाना चाहते हैं, कुछ और समस्याएं क्रिएट करना चाहते हैं। हमने देखा कि जो भी इलेक्शन से पहले शुरू हो गई थी जम्मू में वारदातें काफ़ी हुई और ऐसे और भी जगह में, लेकिन उसको सब भारत की जो जनता है, कश्मीर की जो जनता है, उसने सबको बुरी तरह से नकार दिया है। तो नेचुरली है कि जो अक्रॉस द बॉर्डर बैठे हुए हैंडलर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए। लगता है चुनाव में जिस तरीके से मुक्की खाई है पाकिस्तान ने, उसी की बौखलाहट जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। स्वाभाविक रूप से पड़ोसी के पेट में दर्द ज्यादा है, इस तरह की कोशिशें करेगा लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा।